अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट तरीके के हलवे की रेसिपी बताऊंगी जो आपने शायद ही अपने लाइफ में कभी खाया होगा। जी हाँ, मैं आप लोगों को बीट रूट यानी चुकंदर के हलवे की रेसिपी बताऊंगा। सारे लोगों को खाली चुकंदर खाना पसंद नहीं होता, तो जिन्होंने ये खा लिया वो बार बार खाना चाहिए। सबसे पहले मैंने 1 kg यानी 1 किलो का चुकंदर लिया है। उसके बाद अच्छे से धोकर मैंने इसे छान लिया। देन इसके छिलके मैं निकाल रही हूँ। पूरी साइड से अच्छी तरह मैं इसके छिलके निकाल और उसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरह स्लाइस कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। कटे हुए चुकंदर को जो मैंने 2 सीटी लगाई है प्रेशर कुकर में, उसे अच्छी तरह मैश कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह कूट रही हूँ, मैश कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे बनाऊंगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। 1 kg बीट रूट, 250 ग्राम मिल्क, 200 ग्राम शुगर, 1/4 teaspoon पाउडर, 1 tablespoon घी एंड 2 tablespoon मलाई। अब मैं दूध में मैश किए हुए चुकंदर को इसमें डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम मैंने हाई रखा है, हम इसे हाई फ्लेम पर चलाएंगे। अच्छी तरह इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। एज यू कैन सी, दूध सूखने तक मैं इसे चलाती रहूँगी। जब हमारा दूध सूख जाएगा, अच्छी तरह चुकंदर में मिक्स हो जाएगा, तब मैं इसमें और चीज़ें डालूंगी। तो हमारा दूध सूख चुका है, अब मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। 250 ग्राम शुगर इसमें मैंने डाला है और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। देन नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट, मैं इसमें क्रीम यानी मलाई डाल रही हूँ। प्योर मलाई है ये, और फिर इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1/4 teaspoon इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर नहीं है ये तो आप एक खड़ी इलायची भी डाल सकते हैं इसमें। देन मैं इसमें घी डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। सब कुछ हाई फ्लेम पर हो रहा है और फिर हम इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे, अच्छी तरह इसे भी पकाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट इसमें डला चुके हैं, फिर हम इसे अच्छी तरह भूनते रहेंगे। इसका कलर आने तक हमें वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कलर आ चुका है और इसे भूनते रहना है जब तक घी ना सोख ले इसमें। घी सोख ले तो आप समझ जाइए आपका चुकंदर का हलवा रेडी है। तो मुझे अब लग रहा है कि मेरा हलवा रेडी है, तो मैंने इसे एक प्लेट में डाल लिया और इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चुकंदर के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।